पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। सबसे पहले जानते हैं ये हालिया खबरों में क्यों है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जारी नवीनतम डेटा के अनुसार वर्ष 2022 में भारतीयों द्वारा पेटेंट आवेदन की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके डेटा के मुताबिक भारत की ओर से पेटेंट आवेदन 2021 में 6.8% से बढ़कर 2022 में 31.6% हो गया है। चलिए जानते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। WIPO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। भारत वर्ष 1975 में WIPO का सदस्य बना था। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अब WIPO के कार्य। यह विश्व में संतुलित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए एक नीतिगत मंच का काम करता है। विभिन्न देशों की सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने के लिए वैश्विक सेवाएं देना भी इसके कार्यों में शामिल है। यह बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम करता है। बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़ने और ज्ञान साझा करने के लिए तकनीक आधारभूत संरचना बनाना भी WIPO की जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं WIPO के प्रकाशन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार के लिए उनकी क्षमता और सफलता के आधार पर देशों की वार्षिक रैंकिंग। इसका प्रकाशन कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीट के सहयोग से होता है। चलिए देखते हैं क्या होती है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संपत्ति की एक श्रेणी है, जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल है। इसमें अन्य प्रकार के अधिकार भी शामिल हैं, जैसे व्यापार रहस्य, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका गठन वर्ष 1967 में किया गया था। दो, भारत 1974 में इसका सदस्य बना था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।